लाइट्स कम करनी पड़ेगी, पीछे बड़ी ज्यादा लाइट्स है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। ठीक है सर, ब्लॉगिंग की गई। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सब लॉग इन कर जाएं एक मिनट। गुड इवनिंग सर, बस आ जाएं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। एक मिनट सब लॉगिन कर जाएं। सब लॉगिन कर रहे हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बच्चे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग मैडम। आप भी सर एक बार चेक कर लीजिए कोई नाम रिपीट ना हो रहा हो। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज हमारा टॉपिक रहेगा नॉन स्टॉकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। क्या रहेगा? नॉन स्टॉकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। हाँ जी, अगर ये वाला आर्टिकल आज नॉन स्टॉकोमेट्रिक डिफेक्ट्स का आर्टिकल खत्म हो जाएगा then we can start with a new chapter. इसीलिए मैंने message भी डाला था कि अगर ये chapter आज खत्म हो जाता है then we can start with a new chapter. And कोई भी एक बच्चा मुझे सिर्फ इतना बता दे, audibility कितनी clear है out of 10? 8. And what about the visibility? कोई bandwidth problem तो नहीं? 5. बैंडविड्थ कौन आ रही है? आपकी आज नहीं दिखाई दे रही सर, फेस नहीं दिखाई दे रहा सही से। आज लैपटॉप चेंज हुआ है इसलिए मैं पूछ रहा हूँ कि क्या कोई डिफिकल्टी आ रही है? आप कितनी विजिबिलिटी है? हो रही है। हो रही है ना? ठीक है। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग नॉन स्टॉकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। आई एम स्टार्टिंग विद नॉन स्टॉकोमेट्रिक डिफेक्ट्स। बेटा हमने स्टॉकोमेट्रिक डिफेक्ट्स भी पढ़े थे और नॉन स्टॉकोमेट्रिक डिफेक्ट्स भी पढ़े थे। जो स्टॉकोमेट्रिक डिफेक्ट था आपको वाली याद है स्टॉकोमेट्रिक डिफेक्ट क्या थे? आइए हम स्टॉकोमेट्रिक डिफेक्ट को पढ़ते हैं। मैं आपको स्टॉकोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टॉकोमेट्रिक डिफेक्ट में एक बार डिफरेंस बता देता हूं। मान लीजिए एक सॉलिड है, उसके अंदर Fe के 100 एटम्स हैं
एंड सल्फर के भी 100 एटम्स हैं, जिसे हम बोल सकते हैं Fe100 सल्फर 100, दैट इज FeS, F1S1। कोई डिफेक्ट आ गया, डिफेक्ट आने के बाद Fe के एटम रह गए 90, सल्फर के रह गए 95। तो अब फॉर्मूला क्या बन जाएगा, Fe पॉइंट, अगर हम इसको 90 और इसको 95 लिख देते हैं, सल्फर 95, क्या बन जाएगा ये Fe 0.9 सल्फर 0.95। क्या ये रेशियो बदल गई है, क्या ये रेशियो बदल गई है? यस सर। तो ये नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट है, जो जो रेशियो पहले थी अब वो रेशियो नहीं है। और मान लीजिए अगर हम दूसरा केस ले लेते हैं, उसके अंदर Fe के 90 एटम्स रह गए, सल्फर के भी 90 एटम्स रह गए, तो ये बन गया Fe90S90, Fe1 सल्फर 1। क्या बिफोर द डिफेक्ट, इधर और इधर, कहां मैं केस ए भी लिख देता हूं, ये केस ए है, ये केस बी है, किस केस में रेशियो चेंज नहीं हो रही? पी केस। आपकी आवाज कम आ रही है, किस केस में वाशिंग, किस केस में रेशियो चेंज नहीं हो रही? बी केस में। तो दिस इज किस केस में रेशियो चेंज नहीं हो रही? स्टोकोमेट्रिक, ये स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट है, जिसमें बदल रही है वो नॉन स्टोकोमेट्रिक। पहले आपको याद आया स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट और नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट में क्या फर्क होता था? स्पेशली जिन्होंने रिसेंटली एक आधी क्लास में ही ज्वाइन किया है, मैं उनसे पूछ रहा हूँ, जैसे जोया बेटा हो गए, कोई और देखिए, कोई आज कोई नया स्टूडेंट तो नहीं है, एनीबडी? बेटा जोया बेटा आपको क्लियर है? यस सर। क्वेश्चन बेटा? यस सर। चलिए, कोई और स्टूडेंट हो तो उनसे भी। ये हमारा स्टोकोमेट्रिक और नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट था, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज हम म्यूट, सर म्यूट हो गया आपका। मेरा भी भाई, प्लीज अपने माइक्स को म्यूट कर लीजिए आप सारे, कोई भी बच्चा अनम्यूट ना हो, सॉरी म्यूट ही हो सारे। ओके, आज हमारा आर्टिकल है नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट। स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट्स हम पढ़ चुके हैं, अब मैं इसको हटा रहा हूं। अब पहले हम समझेंगे स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, सॉरी नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट्स पढ़ेंगे हम, ये हम क्लियर कर रहे हैं सारा। जो नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट्स होते हैं बेटा, वो दो तरह के होते हैं, मेटल एक्सेस एंड सेकेंड इज मेटल डेफिशिएंट। कौन सा, कौन कौन से दो होते हैं? मेटल एक्सेस एंड मेटल डेफिशिएंट, बोलिए कौन कौन से होते हैं? मेटल एक्सेस एंड मेटल, राइट डाउन, नॉन स्टोकोमेट्रिक डिफेक्ट्स, राइट डाउन, non-stoichiometric defects are of two types, metal excess defect, non-stoichiometric defects are of two types, metal excess and metal deficient defects, metal excess and metal deficient defects, metal deficient defects, metal deficient defects।
हाँ जी, पहले हम पढ़ेंगे मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट पढ़ने से पहले हमें एक चीज को अंडरस्टैंड करना है, वो एक चीज क्या है। मान लीजिए ये एक सॉलिड है जिसमें एग्जाम्पल के तौर पे NaCl है। Na के 100 एटम है, Cl के भी 100 एटम है, तो इस पे पॉजिटिव चार्ज किस पे होगा? Na पे। नेगेटिव चार्ज किस पे होगा? Cl पे। इसमें ये बताइए मेटल कौन है? व्हाट इज द मेटल? Na पॉजिटिव मेटल है कि Cl नेगेटिव मेटल है? Na पॉजिटिव मेटल है। तो याद रखना मेटल हमेशा केटायन होता है। कौन होता है? केटायन। नॉन मेटल कौन होगा? नॉन मेटल दैट इज Cl नेगेटिव, वो अनायन होता है। तो वो कह रहा है मेटल एक्सेस डिफेक्ट। मैं ये मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट को हटा रहा हूं क्योंकि हमारा फोकस अभी किस पे है? मेटल एक्सेस पे है। मेटल एक्सेस डिफेक्ट होने का मतलब इनडायरेक्टली वो ये नहीं कह रहा केटायन एक्सेस डिफेक्ट, केटायन एक्सेस ये लिखना नहीं है, ये हाथी के दांत हैं समझाने के लिए। केटायन एक्सेस डिफेक्ट। अब केटायन एक्सेस डिफेक्ट कब हो सकता है? पहला एक चीज सुनिए, आप में से कुछ बच्चे को एजुकेशन में पढ़ते होंगे, यस अनु? यस अनु। तो वो क्या होता है? को एजुकेशन नहीं मालूम, जिसमें बॉयज और गर्ल्स इकट्ठे पढ़ते हैं। अच्छा, इसे को एजुकेशन ही कहते हैं, कुछ और कहते हैं? पर यही कहते हैं। आवाज बड़ी कम आ रही है, क्यों? यस सर, यही कहते। मान लीजिए एक क्लास है, उसमें 50 बॉयज हैं, 50 गर्ल्स हैं। थोड़ी बड़ी क्लास है, कोई बात नहीं, 50 बॉयज एंड 50 गर्ल्स। वो कह रहा है बॉयज ज्यादा हो गए हैं, बॉयज एक्सेस। कब हो सकता है ऐसा? उसकी दो पॉसिबिलिटीज हैं, एक न्यू बॉयज एंटर कर जाएं, न्यू बॉयज कम इन। सेकंड, फ्यू गर्ल्स लेफ्ट, गर्ल्स लेफ्ट द क्लास। एक क्लास में 50 बॉयज थे, 50 गर्ल्स थी, बॉयज ज्यादा हो गए। अब आप मुझे बताइए अगर बॉयज ज्यादा हो गए हैं तो क्या ये दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं कि नहीं बनती? या तो कुछ बॉयज और आ जाएं या कुछ गर्ल्स चली जाएं, यस और नो? ओके, दैट्स गुड। ओके, बिल्कुल बेटा इसी पैटर्न पे हमने स्टडी करना है कि एक आयनिक सॉलिड है, जिसमें मेटल ज्यादा हो गए हैं। मेटल का मतलब क्या है? केटायंस। केटायन कब ज्यादा हो सकते हैं? पहला, केटायन कब ज्यादा हो सकते हैं? फर्स्ट केस, सम केटायन, केटायन एंटर द सॉलिड। दूसरा केस क्या बनेगा? सम
Anayam will leave the solid. Yes or no? बेटा चीज को समझिए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट का मतलब क्या है? मेटल किसको कहते हैं? मेटल किसको कहते हैं? कैटायन को. जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है वो सिर्फ आयनिक कंपाउंड्स में पाया जाता है. किसमें? आयनिक कंपाउंड्स में. मेटल ज्यादा कब हो सकता है? मेटल किसको कहते हैं? कैटायन को. इसका मतलब कैटायन ज्यादा हो गए. कैटायन कब ज्यादा हो सकते हैं? या तो कुछ कैटायन एंटर कर जाएं या कुछ अनायंस लीव कर जाएं. बताइए, बात समझ आई है कि नहीं? यस सर. यस. देखिए, अगर तो अंशुल जी को आ गई है तो मुझे उम्मीद है बाकियों को भी आ गई होगी. एक क्लास है उसमें बॉयज ज्यादा हो गए हैं. आप बताइए, पहले बराबर थे, बॉयज कब ज्यादा हो सकते हैं? पहले 50 बॉय थे, 50 बॉयज 50 गर्ल्स. बॉयज ज्यादा हो गए, कैसे हो सकते हैं बॉयज ज्यादा? कुछ बॉयज आ गए हैं और आ गए, न्यू बॉयज आ गए, या कुछ गर्ल्स चली गई हैं. ये दो पॉसिबिलिटीज हैं. यस और नो? यस. ओके, सेम बेटा, उसी तरह है. मेटल एक्सेस डिफेक्ट. मेटल किसको कहते हैं? कैटायन को. कैटायन एक्सेस हो गए हैं तो कैटायन कैसे एक्सेस हो सकते हैं? या तो कुछ कैटायन अंदर आ जाएं या कुछ अनायंस लीव कर जाएं. राइट डाउन, मेटल एक्सेस डिफेक्ट. मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू टू रीजंस. वन, some of the cations have entered the surface, some of the cations have entered the surface of the solid and ye the first case hai, some of the cation will enter the surface of the solid. Dusra point, some of the anions will leave the surface of the solid. Some of the anions will leave the surface of the solid. Some of the anions will leave the surface of the solid. Clear ho gaya? Ye do conditions hain metal excess defect ki. Ab in dono ko hum detail mein padhenge. Kya hum yahan tak rub kar dein? Chaliye, ab hum yahan tak rub kar rahe hain. इसी को हम आगे पढ़ेंगे. इसमें से जो हमें नहीं चाहिए वो हम हटा देते हैं. ये हमें सारा नहीं चाहिए. अब हम फर्स्ट केस पढ़ने वाले हैं. सम ऑफ द कैटायंस हैज एंटर द सरफेस ऑफ द सॉलिड. ये सारा हमने हटा दिया. ठीक है, अभी हमें ये भी नहीं चाहिए. ये भी सारा नहीं चाहिए. चलिए जी, हम पढ़ रहे हैं सम कैटायन हैज एंटर द सरफेस ऑफ द सॉलिड. ओके, अब ये कैसे हो सकता है? ओके, मैं आपको एक केस समझाता हूं. मैं आपको एक पहले इजी केस समझा रहा हूं, फिर मैं इसका कॉम्प्लेक्स केस समझाऊंगा. मान लीजिए एक सॉलिड है, NaCl. NaCl, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव. हम कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा. Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव. Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव. Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव,
एन ए पॉजिटिव सी, ये ऑल्टरनेट होता है बेटा हमेशा, ये एक सॉलिड है। अब आप मुझे सॉलिड में बताइए इन जनरल कितने सोडियम हैं, एन ए पॉजिटिव कितने हैं? सिक्स। सी एल नेगेटिव कितने हैं? सिक्स। बेटा याद रखना सॉलिड मस्ट बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सॉलिड मस्ट बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, हम कुछ भी करें, केटायन एंटर करे, अनायन लीव करे, मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट हो, कुछ भी हो, इलेक्ट्रिकली इट शुड बी न्यूट्रल। चार्ज, नेट चार्ज, नेट चार्ज जीरो आना चाहिए। सिक्स पॉजिटिव, सिक्स नेगेटिव, चार्ज सिक्स पॉजिटिव सिक्स नेगेटिव, चार्ज नेट चार्ज जीरो, तो ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब देखिए सोडियम एंटर कर रहा है सॉलिड के अंदर। अब सॉलिड में जब एंटर करता है तो ये जो सोडियम होता है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, एन ए पॉजिटिव एंड इलेक्ट्रॉन। एन ए पॉजिटिव कहीं और जाके बैठ जाता है, इलेक्ट्रॉन कहीं और जाके बैठ जाता है। अब आप मुझे ये बताइए इसमें एन ए पॉजिटिव कितने हैं? अब सेवन, 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 दैट इज सेवन पॉजिटिव चार्ज। सी एल नेगेटिव कितने हैं? सिक्स, सिक्स, तो सिक्स नेगेटिव चार्ज। एक इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन का है। अगर हम सारे चार्ज को ऐड कर दें तो आंसर कितना आएगा? आंसर कितना आएगा? जीरो। बेटा सेवन पॉजिटिव केटायन का, सी एल नेगेटिव का माइनस सिक्स, एक इलेक्ट्रॉन का, टोटल चार्ज सेवन पॉजिटिव सेवन नेगेटिव, ऑल ओवर चार्ज इज जीरो। यस और नो? यस। अब आप ये बताइए इस सॉलिड में केटायन कितने हैं? सेवन। सर ये आवाज किसकी आ रही है पीछे से? जस्ट टेल मी द नेम, कोई भी डिस्टर्बेंस आएगी साथ के साथ बाय बाय। यस, हाउ मेनी केटायन्स आर देयर? सेवन। जोया बेटा अपना माइक ऑफ कर लीजिए बिटिया। हाउ मेनी केटायन्स आर देयर? सेवन केटायन, सेवन। अनायन अनायन सिक्स है, ध्यान से देखिए। एक तो इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन इज नॉट अनायन, अनायन तो नॉन मेटल होता है, सी एल नेगेटिव। केटायन कितनी है? सेवन। अनायन कितनी है? सिक्स। कौन ज्यादा हो गया? केटायन ज्यादा हो गए, केटायन ज्यादा हो गए, बट अभी भी सॉलिड इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। ऐसे डिफेक्ट्स को क्या बोला जाता है? ऐसे डिफेक्ट्स को क्या बोला जाता है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट्स। समझ आया कि नहीं आया? थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, इसमें कोई शक नहीं। एक बार देखो यार, मैं दोबारा समझाता हूं, एक बार देखिए। आप कहते हैं तो मैं दोबारा करा दूं बेटा, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। आप कहते हैं तो मैं दोबारा करा दूं? यस सर। पहले मुझे आपकी आवाज कम आ रही है, आप सबको मेरी आवाज ठीक आ रही है? यस सर, क्लियर आ रही है। यस सर। मैं सारा आर्टिकल फिर से करा रहा हूं, प्लीज जो मैं आज पढ़ाऊंगा इसमें से पक्का पेपर आएगा। आप कहते हो तो मैं पहले क्वेश्चन ही बता देता हूं।
आपका टेस्ट हो चुका होगा तो ये क्वेश्चन आ चुके होंगे. एफ सेंटर्स, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, वाई ZnO इज येलो इन कलर, एक न्यूमेरिकल होता है कुछ इस तरह का Fe.930O. ये सब क्वेश्चन आ चुके होंगे. तो आज का आर्टिकल बड़ा इंपॉर्टेंट है, प्लीज ध्यान से सुनिए. मैं द्वारा से करा रहा हूं सारा, ये मेटल एक्सेस इफेक्ट द्वारा से ये हटा दिया. फिर सुनिए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, पहले तो क्लियर करिए NaCl में मेटल कौन है. मेटल Na होता है जिसको हम कैटायन भी कहते हैं. Cl नेगेटिव नॉन मेटल है, नॉन मेटल है और वो अनायन है, ये याद रखना है. अब आप मुझे ये बताइए, मेटल ज्यादा कैसे हो सकते हैं. एक सॉलिड है या एक क्लासरूम में 50 बॉयज 50 गर्ल्स, बॉयज ज्यादा हो गए, इसका मतलब क्या है? या तो कुछ बॉयज आ गए अंदर या कुछ गर्ल्स चली गई हैं. यस और नो, दीज आर द टू पॉसिबिलिटीज. बॉयज ज्यादा हो गए हैं, बॉयज ज्यादा कैसे हो सकते हैं? सर मान लीजिए आपकी क्लास के अंदर बॉयज बॉयज और गर्ल्स पहले बराबर थी, अब बॉयज ज्यादा हो गए, कैसे हो सकता है? ओ भैया बोल लो. फिर बॉयज आ जाए या गर्ल्स चली जाए, ये समझ आ गया ना? बिल्कुल ऐसे ही बेटा, ये सॉलिड है, इसके अंदर 50 के टायन्स हैं Na पॉजिटिव के, 50 अनायन्स हैं Cl नेगेटिव के. वो कह रहा है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल का मतलब केटायन, केटायन ज्यादा हो गए हैं. केटायन एंड मेटल इज द सेम थिंग. अब आप मुझे बताइए मेटल एक्सेस कैसे हो सकता है, इसका मतलब कुछ केटायन तो अंदर आ गए हैं, केटायन अंदर आ गए हैं इन, ये पॉसिबिलिटी है. दूसरी पॉसिबिलिटी कौन सी है? कुछ अनायन has left, that is out. ये दो पॉसिबिलिटीज क्लियर हो गई. अब हम किस पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं? फर्स्ट केस की पॉसिबिलिटी की बात कर रहे हैं कि कैटायन अंदर आ रहा है. कभी भी कैटायन अंदर लोगे या अनायन बाहर जाए, कुछ भी हो, क्या ध्यान रखना है? चार्ज शुड बी, नेट चार्ज शुड बी, नेट शुड बी जीरो. अब बताओ डिफेक्ट से पहले Na कितने थे? 50. Cl कितने थे? Cl नेगेटिव कितने थे? 50. नेट चार्जेस प्लस 50 एंड माइनस 50, व्हाट इज द चार्ज? जीरो. अब इस चीज का हमें ध्यान रखना है कि जब भी कोई डिफेक्ट आएगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहना चाहिए. ये आपका सोडियम है, सॉरी ये NaCl है, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव. हम थोड़ा बड़ा कर देते हैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव Na पॉजिटिव Cl. अब आप मुझे बताइए, ये जो मैंने सॉलिड बनाया है इसमें Na पॉजिटिव कितने हैं? भैया काउंट कर दो कितने. सिक्स हैं, तो 6 Na पॉजिटिव थे. Cl कितने हैं? 6. Cl हैं 6.
सीएल नेगेटिव सिक्स हो गए. तो व्हाट इज द चार्ज, नेट चार्ज? जीरो. जीरो. अब क्या हुआ, एक सोडियम आ रहा है बाहर से, जब इट इज अ न्यूट्रल सॉलिड. अब ध्यान से देखिए, न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है अभी. जब ये एंटर करता है तो Na पॉजिटिव कहीं और जाके बैठ जाता है, ये इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कहीं और बैठ जाता है. अब आप मुझे ये बताइए, इसके अंदर डिफेक्ट आने के बाद, मैं यहां लिख रहा हूं, कितने Na पॉजिटिव हैं? 7 Na पॉजिटिव हैं. कोई डाउट है? Cl नेगेटिव कितने हैं? 6 Cl नेगेटिव हैं. एक इलेक्ट्रॉन बैठा है जिसपे चार्ज 1 नेगेटिव है. नेट चार्ज कितना है? जीरो. नेट चार्ज है जीरो. चार्ज तो जीरो चाहिए ही चाहिए. अब आप मुझे ये बताइए, केटायंस कितने हैं? केटायन तो Na पॉजिटिव होते हैं ना. Na पॉजिटिव कितने? 7. 7. अनायन कितने हैं? अनायन तो Cl नेगेटिव होते हैं. कितने? 6. क्या हम इसको बोल नहीं सकते केटायन एक्सेस डिफेक्ट? बोलिए, समझ आया है? सर चार्ज तो जीरो होगा ही होगा, आप मुझे बस ये बताइए केटायन कितने हैं? 6 हैं कि 7 हैं? 7. अनायन कितने हैं? 6. तो कौन ज्यादा हुआ? केटायन. केटायन ज्यादा होने का मतलब क्या है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट. क्या है? मेटल एक्सेस डिफेक्ट. मेटल एक्सेस में कौन एंटर कर रहा है? केटायंस आर एंटरिंग इन द सरफेस ऑफ द सॉलिड. बोलिए, समझ आया है? यस सर. सर थोड़ा सा देखिए, टॉपिक बड़ा अच्छा है, स्कूल में पेपर में आएगा, बस समझ नहीं आएगा. तुम सॉलिड स्टेट पढ़ चुके, क्या तुम्हें ये आर्टिकल समझ आ गया था? एनसीईआरटी का बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, कॉम्प्लेक्स है, टीचर ऊपर ऊपर से करा के भाग जाता है, डिटेल में नहीं कराता. बोलिए, क्या आपको ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट क्लियर हो गया? यस सर. आइए, अब मैं इसको दूसरा एक और तरीका है, आपको यहां तक ओके है या मैं एक और तरीके से समझाऊं? थोड़ा कॉम्प्लेक्स है. बोलिए. यस सर, यहां तक ये आ गया, पर बुक में इसको और कॉम्प्लेक्स किया गया है. अब मैं तुम्हें एक एक स्टेप और बढ़ा रहा हूं. पहले यहां तक समझ आ गया ना, अब इसी चीज को उन्होंने दूसरे तरीके से समझाया है, पर थोड़ा टफ करके. अब मैं वो वाला तरीका समझा रहा हूं, मैं इसको रब कर रहा हूं, ये मैं सारा रब कर रहा हूं, एक सेकंड ठहर जाइए. थोड़ा फर्क है बस जो बुक में इंग्लिश लिखी हुई है, पर ये समझाना जरूरी था, अगर ये नहीं समझाऊंगा तो समझ नहीं आएगा. ये सब हटा देते हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए. ये भी नहीं चाहिए हमें, ये भी नहीं चाहिए. अब हम आ गए फिर से एक और केस समझ रहे हैं. ओके, ये समझिए, ये एक सॉलिड है जिसमें Na, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ये हमने थोड़ा बड़ा बना लिया, ये इसमें हमारे Na के Na पॉजिटिव 6 हैं, तो वो हम पहले 6 बना लेते हैं. सर ध्यान से समझिएगा, बुक में इंग्लिश में लिखा हुआ है, बिल्कुल ऊपर से निकल जाएगा. देखिए, आधा टॉपिक कराना बहुत आसान है, पूरा टॉपिक कराने में टाइम लगता है, समझाना भी है,
मेरे बाद जब आप किताब में पढ़े आपको समझ भी आए। अब ये NaCl है, इसमें 6 Na पॉजिटिव हैं, 6 Cl नेगेटिव हैं। अब इसको गर्म कर दिया, किसको गर्म कर दिया, सॉलिड को, या इसको ये कह लीजिए, इसको चलिए गर्म मत करिए, आप इसको एक एक कंटेनर में रख दिया। इस कंटेनर में सोडियम गैस थी, सोडियम वेपर्स, कौन था, सोडियम वेपर्स। अब आप बताइए क्या सोडियम वेपर इसके ऊपर कंडेंस होंगे NaCl के ऊपर या नहीं। हमने NaCl का सॉलिड किस में रख दिया, सोडियम वेपर्स में रख दिया। जब सोडियम वेपर में रख देंगे तो कंडेंसेशन होगी, क्या होगी, कंडेंसेशन। मान लीजिए इसके ऊपर एक लेयर बन गई, किसकी, इसमें एक लेयर बन गई किसकी, Na की, सोडियम की, किसकी लेयर बन गई, सोडियम की। अब हुआ क्या, ये जो क्लोरीन बैठा है, ये वाला जो क्लोरीन बैठा है, ये कहता है मैं तो इस सोडियम से बॉन्ड बनाऊंगा। तो क्लोरीन, अब क्लोरीन ने क्या किया, अपनी जगह छोड़ के ऊपर चले गया। अब यहां आ गया क्लोरीन, क्लोरीन ऊपर चले गया, जाते जाते अपना इलेक्ट्रॉन यहीं छोड़ गया। क्या छोड़ के गया, इलेक्ट्रॉन। तो जब सोडियम क्लोरीन ऊपर गया तो इलेक्ट्रॉन यहीं रह गया। अब आप ये बताइए, ये क्लोरीन ऊपर चले गया, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन किसको दे दिया, क्लोरीन को, क्लोरीन नेगेटिव बन गया, सोडियम पॉजिटिव बन गया। ये इलेक्ट्रॉन किसने दिया है, ये इलेक्ट्रॉन किसने दिया है, क्लोरीन ने, क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन दिया है। अब आप मुझे ये बताइए, इस ये यहां तक, यहां तक कितने सोडियम है, एक्सक्यूज मी सर, सॉलिड में पहले कितने थे, 6, अब कितने हो गए, 7, क्लोरीन कितने हैं, क्लोरीन नेगेटिव, 6, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, देखो ध्यान से, नेट चार्ज अभी भी 0 है। ये वही चीज सिखा रहा है जो पहले समझाया था, इन अ डिफरेंट मैनर। बोलिए, हां जी, इंग्लिश में इस तरह लिखा हुआ है बुक में, बोलिए। एक्सक्यूज मी सर, ये क्लोरीन इलेक्ट्रॉन छोड़ के क्यों गया। बेटा ऐसा होता है तो हम पढ़ते हैं, हमारे कहने से वो ऐसा करता नहीं है, उसने ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, उसने ऐसा किया, हमने उसको पढ़ा, कुछ चीजें होती हैं उसको हम पढ़ते हैं। आर यू गेटिंग द पॉइंट, यस सर, यस और नो। और सर ये क्लोरीन का एटम बाहर चला गया या अभी भी अंदर है, क्लोरीन का एटम, क्लोरीन का एटम क्या बोल रहे हैं, दोबारा बोलिए, ये बाहर चला गया सरफेस से, अंदर है नहीं, सॉलिड के ऊपर है ना, सॉलिड के अंदर ही है, सॉलिड के अंदर ही है। नाउ इट इज अ, बेटा वही जो चीज है जो मैंने समझाई है वही है, इंग्लिश में इस तरह लिखी हुई है किताब में, दोबारा समझाता हूं, दोबारा समझिए। एक्सक्यूज मी सर, हां जी सर, एक बात करनी थी सर मेरे को ना, यहाँ पे बस ये लिखा रहा है राजीव खुराना स्टार्टेड स्क्रीन शेयरिंग, मेरे को मतलब ब्लैक ब्लैक दिखाई दे रहा है, स्क्रीन नहीं शो हो रही है, बाकी सबको दिख रहे हैं, यस सर, यस सर, बेटा आप दोबारा लॉगिन कर लीजिए, आप डाल लोगे ना अंदर फिर से, उम्मीद तो है, डाल लेना चाहिए आपको, आ जाओ, आ जाइए।
आ जाइए। हाँ जी, इज द थिंग ओके? एक बार दोबारा समझा दूं? नहीं सर, आ नो सर, समझ आ गया। समझ आ गया, चलिए अब लिखिए। एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, पहले मैं इसको इतना लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझ नहीं था। लिखिए लिखिए, व्हाट आर एफ सेंटर्स, व्हाट आर एफ सेंटर्स, एफ व्हाट आर एफ सेंटर लिखो। When anions leave the surface of the solid, when anion leave the surface of the solid by leaving behind its extra electrons at its position is called F center। ये जो F center है, this is very important। Excuse me sir। हाँ जी सर, रिपीट कर दो एक बार। लिखो, व्हेन अनायन लीव द सरफेस ऑफ द सॉलिड, व्हेन अनायन लीव द सरफेस ऑफ द सॉलिड बाय लीविंग बिहाइंड its extra electron at its position is called F center। बोलिए, अब इसके नीचे नोट लिखिए। Due to this F center, NaCl become yellow. NaCl become yellow. KCl become violet. KCl become violet. And LiCl become pink। सर एंड के बाद रिपीट कर दो बेटा। NaCl बिकम येलो, KCl बिकम वायलेट एंड LiCl बिकम पिंक। सर ये एनसीईआरटी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। क्या आप वैसे तो जनरली एग्जाम में ना ये आता है, व्हाट इज एफ सेंटर, बट अगर आपको वो क्वेश्चन कहता है व्हाई एनएसीएल बिकम येलो ऑन हीटिंग, तो आपको ये वाला सारा प्रोसेस समझाना है कि हमने सोडियम गैस को गर्म किया या सोडियम के वेपर्स बना दिए, बीच में किसको रख दिया, NaCl को, Na के कुछ वेपर्स NaCl पे कंडेंस हो गए, क्लोरीन अपनी जगह छोड़ के सरफेस पे चले गया, जाते जाते वो अपना इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे छोड़ के गया, और जब वो Na के पास पहुंचा, बींग क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, उसने Na का इलेक्ट्रॉन छीन लिया, Na पॉजिटिव बन गया, क्लोरीन नेगेटिव बन गया। इस ये अगर आप ध्यान से देखें तो ये कैटायन एक्सेस डिफेक्ट। बोलिए समझ आया है? सर
अब मैं आपको दूसरा सिखा रहा हूं, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वाई पेपर में बहुत ज्यादा आता है स्कूल एग्जाम्स में, वाई जेड एन ओ, वाई जेड एन ओ, जेड एन ओ टर्न्स येलो ऑन हीटिंग इज द क्वेश्चन क्लियर? पर इस केस के अंदर एफ सेंटर नहीं लिख सकते, एफ सेंटर किस केस में लिखना है, एफ सेंटर किस केस में लिखना है, एनएसीएल वाले केस में आपको एफ सेंटर पूछेगा तो सिंपल क्या बोलना है, एफ सेंटर इज अ फिनोमिना इन विच सम ऑफ द अनायंस विल लीव देयर सरफेस ऑफ द सॉलिड बाय लीविंग बिहाइंड इट्स एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन एट इट्स पोजिशन. अब मैं आपको समझा रहा हूं वाई जेड एन ओ टर्न्स येलो ऑन हीटिंग, तो मुझे सारा क्लियर करना है, मैं सारे को क्लियर कर रहा हूं, सबने नोट कर लिया होगा. ओके, अब सुनिए, होता क्या है, एक सॉलिड है, ये सॉलिड है, इसके अंदर जेड एन टू पॉजिटिव, ओ टू नेगेटिव, जेड एन टू पॉजिटिव, ओ टू नेगेटिव, ओ टू नेगेटिव, जेड एन टू पॉजिटिव, ओ टू नेगेटिव, जेड एन टू पॉजिटिव. अब मुझे बताइए इसमें कितने जेड एन पॉजिटिव हैं, फोर जेड एन टू पॉजिटिव हैं, फोर जेड एन टू पॉजिटिव हैं, यस और नो, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर. ओके, इसमें जेड एन पॉजिटिव कितने हैं, फोर जेड एन पॉजिटिव हैं. अब इसके अंदर कितने ओ नेगेटिव हैं, फोर ओ टू नेगेटिव हैं. व्हाट इज अ पॉजिटिव चार्ज, एट. व्हाट इज द नेगेटिव चार्ज, एट. नेट चार्ज जीरो. Is the thing okay? कोई भी डिफेक्ट आएगा, सॉलिड शुड बी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल. ये जो पॉजिटिव नेगेटिव है, ये जो मैं लिख रहा हूं प्लस एट माइनस एट जीरो, ये बेटा मैं टीचर को नहीं समझाना, ये हमें समझना. जब तक हमें ये कंसेप्ट नहीं समझ आएगा तब तक आपको आर्टिकल समझ नहीं आ सकता. उसके अलावा तो आपने ब्लाइंडली रट्टा मार लिया, जो टीचर ने बोला खत्म हो गया, पर आपको समझ कभी नहीं आएगा. आइए अब देखिए, ZnO जो था उसको हीट किया गया, हीट करने से क्या हुआ, उसको हमने हीट कर दिया, ये डिसोशिएट हो गया Zn2 पॉजिटिव, हाफ O2 प्लस टू इलेक्ट्रॉन. पहले बताइए क्या ये इक्वेशन बैलेंस्ड है, लेफ्ट साइड पे Zn कितने हैं, वन, राइट पे कितने हैं, वन, लेफ्ट साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं, वन, राइट साइड पे ऑक्सीजन कितने हैं, वन, लेफ्ट साइड पे चार्ज कितने हैं, जीरो, राइट साइड पे चार्ज कितना है, जीरो. तो ये
एटम वाइज भी न्यूट्रल है, एटम वाइज भी बैलेंस है, चार्ज वाइज भी बैलेंस है। ये इस सॉलिड को जब हम हीट करेंगे, ये हमने हीट किया और ये ऐसा हो गया। इसको हम ना कलर चेंज कर लेते हैं, क्योंकि ये येलो बनता है तो हम देखते हैं येलो में अच्छा दिखता है कि नहीं दिखता। आई थिंक सो दिख नहीं रहा, काफी लो विजिबिलिटी हो गई है। तो हम सिंबॉलिक ले लेते हैं ब्लू कलर, वैसे रियलिटी में ये येलो बनता है। हीटिंग किया, हीटिंग करने से क्या हुआ, एक ऑक्सीजन ये वाला जो ऑक्सीजन है ये सॉलिड को छोड़ के चले गया, ये सॉलिड को छोड़ के चले गया, सॉलिड में से निकल गया, ये सॉलिड में से निकल गया। तो ये हमने ये ऑक्सीजन हटा दिया, ये जो ऑक्सीजन हमने हटाया इस पे चार्ज कितना था, 2-, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, 1 और 2। सर ऑक्सीजन गया, इलेक्ट्रॉन नहीं गए, इलेक्ट्रॉन ने तो अपनी जगह नई जगह ढूंढ ली, कहीं और जाके बैठ गए सॉलिड के बीच में। तो ये अब ये कैसा लगेगा डिफेक्ट आने के बाद, ये डिफेक्ट आने के बाद कुछ ऐसा लगेगा, Zn2+, oxygen 2-, Zn2+, oxygen 2-, oxygen 2-, Zn2+, ये खाली जगह बन गई और ये Zn2+, यहाँ जो ऑक्सीजन था वो निकल गया है, यहाँ पे जो ऑक्सीजन था वो निकल गया, ये होल बन गया, खाली जगह बन गई है, और इसके जो इलेक्ट्रॉन थे वो कहीं भी जाके सॉलिड में बैठ गए। अब आप ये मुझे बताइए, आफ्टर डिफेक्ट हाउ मेनी Zn2+ आर देयर, हाउ मेनी Zn2+ आर देयर, सो कैन यू टेल सर, 4। तो व्हाट इज द चार्ज, व्हाट इज द चार्ज, +8, +8, हाउ मेनी ऑक्सीजन O2- आर देयर, 3, what is the charge, -6, -6, how many electrons are there, 2, it's -2, net is 0, par aap mujhe bataiye cation kitne hai, what is cation, zinc hota hai cation, how many cations are there, 4, how many anions are there, 3, कौन ज्यादा है, केटायन क्यों ज्यादा है, अनायन हैज लेफ्ट द सरफेस ऑफ द सॉलिड, अनायन सॉलिड को छोड़ के चले गया है। सेम मैंने समझाया था क्लास में, बॉयज और गर्ल्स बराबर थे, बॉयज ज्यादा हो गए, बॉयज ज्यादा कैसे हो सकते हैं, या तो कुछ बॉयज अंदर आ जाएं, वो अभी पिछला वाला केस था सोडियम वाला, या कुछ गर्ल्स चली जाएं। अब आप देखिए यहां पे कौन चले गया, अनायन चले गया। बोलिए क्या आपको समझ आया है, वाई ये ZNO वाला केस समझ आया है, yes. समझ आया है, इंग्लिश में मैं लिखवा दूंगा, आप उसको छोड़िए, आप पहले बताइए हाउ द प्रोसेस गोज ऑन, ये क्लियर हो गया, बिफोर द डिफेक्ट, बिफोर द डिफेक्ट क्या था, कितने के टाइम थे, 4, अनायन भी कितने थे, 4, कुछ इस तरह से था। हीटिंग होने पे क्या हुआ, सर हीटिंग होने पे ये जो ऑक्सीजन था कहां चले गया, सॉलिड से बाहर, पर जाते जाते अपने इलेक्ट्रॉन कहां छोड़ गया, सॉलिड में। तो ये जो ऑक्सीजन था ये सॉलिड को छोड़ के चले गया, पर इलेक्ट्रॉन कहां रह गए, सॉलिड के अंदर ही रह गए, सो दैट सॉलिड रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और सर समझ आया है कि नहीं, यस सर आ गया समझ, यस सर, ये मुझे फिर से बोलना पड़ेगा, मुर्गा जान से जाए खाने वाले को स्वाद ना आए,
इट इज 1 hour आई एम कॉन्टिन्यूसली स्पीकिंग विदाउट अ ब्रेक. समझ आया है? एक चीज पूछनी है. हाँ जी बोलिए. सर ये इलेक्ट्रॉन इंटू टू बता दो, ये नहीं समझ आया बस. क्या ये इलेक्ट्रॉन इंटू टू किया आपने, माइनस टू बना, वो बता दो कितने इलेक्ट्रॉन है. ये रेड कलर के मैंने कितने इलेक्ट्रॉन बनाए हैं? दो बनाए हैं. वही दो ही तो लिखा है. इलेक्ट्रॉन कितने हैं? दो तो हैं. वन इंटू टू कितना होता है? टू सर. वही तो लिखा है भाई मैंने. पर सर इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन ही क्यों है? मैंने वन इलेक्ट्रॉन इंटू टू लिखा है, ये टू इलेक्ट्रॉन हो गए. सर इसके अंदर दो इलेक्ट्रॉन हो गए. अच्छा दो इलेक्ट्रॉन क्यों है सर इसके अंदर, ये नहीं पता चला. मतलब इधर जो था ये इलेक्ट्रॉन ही पता चला, ये दो इलेक्ट्रॉन कहां से आए. ऑक्सीजन पे चार्ज कितने हैं? ओ टू नेगेटिव. तो कितने इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हैं? दो. ये वही दो तो हैं. ओके अंशुल बैकी बैकी बातें करता है. वीकेंड पे वो पार्टी शार्टी तो नहीं कर रहा? एक हाथ में एक आधा पैग रखा हो और एंजॉय कर रहा हो टाइम पास के लिए. घुराना सर है अंशुल? वीकेंड पार्टी नहीं, तो सर, नहीं, नहीं सर नहीं. हाँ बोलता ही नहीं है यार. देख जब तू पूछता है मैं आंसर देता हूँ, जब मैं पूछता हूँ तो आंसर नहीं देता. चल मजाक था, सीरियस मत ले जाना. नहीं लग रहा मम्मी डैडी घर पे लड़ने आ गए मेरे. तेरे से मजाक प्यार से करते हैं हम. आइए लिखवा दें. लिखिए जी. क्वेश्चन है why ZnO become yellow on heating. लिखो. When ZnO is heated, the following reaction take place. Reaction लिख डालो. The ZnO decomposes into the ZnO decomposes and gives oxygen gas which left the surface of the solid, by leaving behind its two electrons, inside the surface of the solid, these electrons occupy interstitial voids. Interstitial voids का मतलब अंदर की खाली जगह. These electrons occupy interstitial void, अंदर की खाली जगह. Empty spaces भी लिख सकते हो, empty spaces of solid. Interstitial voids full stop. When light falls on the solid, these electrons get excited, but excited state is not stable. So these electron loses energy. These electron loses energy
loses energy. This energy falls in the visible range. These energy falls in the visible range. And we see yellow color. We see yellow color. We see yellow color. Niche note likho, note. This is also known as cation excess defect. Teacher ये पढ़ना चाहता है, उसे पढ़ाओ. Cation excess defect. Cation चार है, anion तीन है. कौन सा defect है? Cation excess defect. और ये नहीं लिखोगे तो number नहीं मिलेंगे. इसको star लगा लो, जो मर्जी कर लो. चाहे सबसे पहले क्या लिख दो, अगर तुमने ये रिएक्शन लिख दिया और बड़ा बड़ा ये लिख दिया मेटल एक्सेस डिफेक्ट, आपको पूरे बटा पूरे नंबर मिल जाएंगे. अगर इंग्लिश आप कैसी भी लिख लें, ये दो चीजें लिखनी बड़ी जरूरी है. डायग्राम मत बनाना, ऐसा कोई डायग्राम बुक में नहीं दिया हुआ. ये मैंने आपको एक्स्ट्रा कराया है आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. पर जिस चीज के मार्क्स हैं वो हैं रिएक्शन एंड मेटल एक्सेस डिफेक्ट. और अगर नेगेटिव नंबर लेने हो, अगर नेगेटिव नंबर लेने हो तो लिख देना एफ सेंटर 110%. अगर तुम एफ सेंटर लिखाए इस केस में तो टीचर काट देगा. क्या आपको एफ सेंटर और इसमें डिफरेंस क्लियर हो गया? यस सर. कैन आई शिफ्ट टू द नेक्स्ट आर्टिकल? ओ, आज चैप्टर खत्म करना था, थोड़ा जल्दी कर लो. मुझे लग नहीं रहा तुम ये चैप्टर भी पूरा खत्म कर पाओगे. जल्दी करो. करें बेटा आगे. यस सर. चलिए नेक्स्ट है जी. नेक्स्ट है मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट. इसको मैं सारे को हटा रहा हूं. अब मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट्स. कल की क्लास कितने बजे रखनी है? 11:15 ओके, 11:30? यस सर. यस सर. 11:30 होगी कल मॉर्निंग में क्लास. सर तब दीक्षित सर का टाइम. हां जी सर. क्या बोल रहे हैं सर? 11:30 से लेके 12:30 एक बजे तक जब तक चलती जाएगी. असाइनमेंट मैं आपको भेज चुका हूं. न्यूमेरिकल्स करने के ऑब्जेक्टिव करने ये बता दो बस. सर तब दीक्षित सर का टेस्ट होएगा. किसका? फिजिक्स. थोड़ा पीछे कर लो टाइम, मतलब जल्दी. हां जी. कौन बोल रहे हैं? सर सभ्य जी. जितेंद्र सर क्या है? नहीं सर, दीक्षित सर. दीक्षित सर को मैं मैसेज भेज दूंगा, कोई बात नहीं. कितने में शुरू होना है? हाँ जी सर. कितने में शुरू होना है? सर वो 12:30 से 1:00 के आसपास हो. सर मैं उसका सबमिशन टाइम लेट करवा दूंगा कि आप 2:30 तक सबमिट करवा पाए. इज इट ओके? इज इट ओके सर? आपका सबमिशन टाइम बढ़ जाएगा सर. वो 12 से एक भी टेस्ट होगा मैं कह दूंगा स्टूडेंट विल सबमिट टिल 2:30. ठीक है.
चलिए आइए 11:30 कल क्लास है बच्चे। थैंक यू। हाँ वो मैं करा दूंगा बच्चे। चलिए अब मैं करा रहा हूं मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट। अब बताइए मेटल डेफिशिएंट, मेटल डेफिशिएंट। अब मुझे ये बताइए मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट है, मेटल कौन थे? केटायंस। केटायंस मेटल थे केटायन, इसका मतलब केटायन लेस हो गए हैं, इसका मतलब कुछ केटायंस सॉलिड को छोड़ के जा रहे हैं या कुछ एनायन आ रहे हैं, दो ही पॉसिबिलिटी हैं। इसका मतलब पहला केस क्या है, सम केटायन लेफ्ट द सॉलिड, लेफ्ट द सरफेस ऑफ सॉलिड, दूसरा सम अनायन एंटर द सरफेस ऑफ सॉलिड। यस और नो बोलो बच्चे, क्लियर है? यस सर। नोट कर लो जल्दी से, जल्दी से नोट करिए, फिर मैं इसके एक केस को समझाता हूं। How electrically charge is neutral? अब ये बता दो कल numericals करने हैं या objective करने हैं? Numericals। चलो मैं दोनों mix करवा दूंगा। सर numericals। Numericals। सर objective की weightage बहुत ज़्यादा बढ़ गई है school में। Objective करा दो। Objective आएंगे school में। तो ऑब्जेक्टिव की आप भी उसकी थोड़ा इसकी ऑब्जेक्टिव को बढ़ाइए। आईआईटी तो ठीक करनी है, नीट भी करनी है, बट स्कूल में भी नंबर लेने हैं, दोनों करने हैं। तो आइए नोट कर लिया आपने? ओके अब मैं आपको केस नंबर वन समझा रहा हूं। केस नंबर वन, सम केटायन हैज लेफ्ट द सरफेस ऑफ द सॉलिड, आइए इसको समझते हैं। मान लीजिए एक सॉलिड है, ये एक सॉलिड है सर। डायग्रामेटिकली मैं इसलिए समझा रहा हूं कि आपके ब्रेन में ये चीजें चली जाएं। हर चीज ना बुक में डायग्रामेटिकली कई बार नहीं दी होती। Fe2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, आपका ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, इसका Fe2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव, Fe2 पॉजिटिव, ऑक्सीजन 2 नेगेटिव। अब आप मुझे ये बताइए Fe2 पॉजिटिव कितने हैं? 6। चार्ज कितने हैं? 12 पॉजिटिव। O2 नेगेटिव कितने हैं? 6। चार्ज कितने हैं? 12 नेगेटिव। अब इसके अंदर डिफेक्ट आ गया, इसके अंदर डिफेक्ट आ गया। जस्ट अ मिनट, तो अब इसमें डिफेक्ट आ गया। इसमें से ये वाला Fe2 पॉजिटिव सॉलिड को छोड़ के चले गया है। पढ़ो ये क्या लिखा है, सम केटायंस हैव लेफ्ट द सरफेस ऑफ द सॉलिड। कौन चले गया सॉलिड छोड़ के? Fe2 पॉजिटिव। अब Fe2 पॉजिटिव के पास इलेक्ट्रॉन तो थे नहीं जो अपनी जगह पे छोड़ जाता। अब वो जब गया
तो क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज कम हो गया। देखिए पॉजिटिव चार्ज कम हुआ है कि नहीं हुआ। अब Fe2 पॉजिटिव कितने रह गए हैं, यहां पे होल बन गया, ये होल बन गया, ये होल है। इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, आपको ध्यान से दिखेगा ये एक होल क्रिएट हो गया, होल, दिस इज अ होल, दिस इज द होल, एम्प्टी स्पेस, एंड ये है O2 negative. अब मुझे ये बताइए हाउ मच Fe2 पॉजिटिव कितने हैं? चार्ज हो गया 10 प्लस, एंड नेगेटिव कितने, ऑक्सीजन नेगेटिव कितने हैं? 6. क्या ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है? नहीं, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं है। पॉजिटिव चार्ज कम है, नेगेटिव चार्ज ज्यादा है। अब क्या होता है कि कुछ Fe2 पॉजिटिव, कुछ Fe2 पॉजिटिव अपना चार्ज 2 पॉजिटिव की जगह 3 पॉजिटिव कर लेते हैं। कितना कर लेते हैं? 3 पॉजिटिव। अब आप मुझे बताइए ये वाला केस तो खत्म हो गया, Fe2 पॉजिटिव कितने हैं? काउंट करिए कितने हैं? 3 तो 6 पॉजिटिव हो गया। Fe3 पॉजिटिव कितने हैं? 2 6 पॉजिटिव हो गया, एंड O2 नेगेटिव कितने हैं? 6 नेट चार्ज 0। जब कोई केटायन सॉलिड को छोड़ के जाएगा तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज की कमी हो जाएगी। पॉजिटिव चार्ज की कमी ना हो इसलिए बचे हुए कुछ एटम्स अपना चार्ज बढ़ा लेंगे, 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव कर लेंगे, सो दैट सॉलिड रिमेन्स इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। दीज टाइप ऑफ डिफेक्ट आर कॉल्ड मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट इन विच सम ऑफ द केटायन हैज लेफ्ट द सरफेस ऑफ द सॉलिड। बोलिए समझ आया है? यस सर। बड़ी मेहनत लग रही है मेरी, मैंने तुम्हारे सबके लिए एक नया लैपटॉप खरीदा है वो वॉइस की प्रॉब्लम खत्म करने के लिए। आज देखो वो वॉइस वाली प्रॉब्लम नहीं आ रही जो पिछली बार आ रही थी। yes, सिर्फ तुम्हारे लिए खरीदा है सो दैट आज वो हम टैब को भी यूज कर पाए। वो जो कौन सी जनरेशन है जी? कौन सी जनरेशन? वो छोड़ जनरेशन, यंग जनरेशन है ये, वो छोड़ दू। मैं स्पेसिफिकेशन मेंशन करने नहीं बैठा, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ मैं चाहता हूँ कि मैं और इफेक्टिवली पढ़ा पाऊँ आप सब। वो मैं भी लेने का सोच रहा था इसलिए। ओ भैया हाथ जोड़ के कह रहा हूँ, ये फ्रेंड्स में टॉक होती है, टीचर स्टूडेंट में टॉक नहीं होती है। तो सिर्फ ये बता समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा, बस आप बताइए समझ आ गया कि नहीं आया? आ गया सर। हाँ बेटा ये मैं चाहता था कि आई कैन राइट एंड यू कैन, आई नो व्हाइट बोर्ड का अपना मजा है बट इसका भी अपना मजा है। आई वॉन्ट, इसकी ना रिकॉर्डिंग बड़ी अच्छी होती है तो ये आप रिकॉर्डिंग्स द्वारा देख पाएंगे और ये अपलोड भी बहुत जल्दी होती है तो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग दिस। बोलो इज द आर्टिकल क्लियर? यस सर। लिख राइट डाउन, मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट फर्स्ट केस, सम केटायंस हैव लेफ्ट द सरफेस ऑफ द सॉलिड, सम केटायंस हैव लेफ्ट द सरफेस ऑफ द सॉलिड
The remaining cations increases their positive charge so that solid remains electrically neutral. Clear? Okay. अब इसमें एक numerical है. Numerical क्या है सुनिए. मैं clear कर दूँ बेटा इसको सबको. Yes sir. Yes sir. Okay. अब सुनिए. Numerical क्या है? मैं आपको एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है आउटटेक्स क्वेश्चंस का क्वेश्चन नंबर ढूंढते रहना मुझे क्वेश्चन याद है नंबर आप ढूंढ लेना मिल जाएगा तो बता देता हूं चलिए आप में से कोई ढूंढ ही लेगा मैं आपको क्वेश्चन बताता हूं क्या है तब तक बाकी ढूंढते रहेंगे सर 16 डेसिमल वाला है 15 16 16 यस वेरी गुड बिटिया ने ढूंढ लिया 16 क्वेश्चन है वो कहता है कि निकल 0.98 ओ हो गया निकल कितना हो गया 0.98 ओ अब बताओ कितने निकल 2 पॉजिटिव हैं और कितने निकल 3 पॉजिटिव हैं उनकी परसेंटेजेस बतानी है तो सुनिए अब हम इसको मान लेते हैं कि ये निकल पहले क्वेश्चन को समझिए मैं दोबारा समझाता हूं बिना डिफेक्ट के निकल कैसा होना चाहिए था निकल 1 ऑक्सीजन 1 यस और नो डिफेक्ट आ गया डिफेक्ट आने के बाद निकल क्या बन गया निकल 0.98 ओ 1 अब कुछ निकल सॉलिड को छोड़ के चले गए हैं वो कहता है बताओ कितने 2 पॉजिटिव हैं कितने 3 पॉजिटिव हैं अगर उसकी परसेंटेज निकाल सकते हैं तो और भी अच्छी बात है तो हम इसको अज्यूम कर रहे हैं कि क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि निकल 98 है ऑक्सीजन 100 है इज इट ओके क्या ये वाली चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं यस सर यस सर तो अब वो कह रहा है कि कुछ निकल 2 पॉजिटिव हैं कुछ निकल 3 पॉजिटिव हैं हमारे पास लेट अब हम स्टार्ट कर रहे हैं लेट निकल 2 पॉजिटिव इज एक्स निकल 3 पॉजिटिव इज 98 माइनस एक्स वाई हाउ मेनी टोटल निकल्स आर देयर 98 तो अगर निकल 2 पॉजिटिव एक्स हैं तो निकल 3 पॉजिटिव कितने होंगे 98 माइनस एक्स ओके अब ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2 ये तो मालूम है ऑक्सीजन पे चार्ज कितना होता है -2 आप पहले बताओ निकल 2 पॉजिटिव कितने हैं x तो इसमें चार्ज कितना हुआ 2x निकल 2 पॉजिटिव का चार्ज कितना हो गया 2 × x निकल 3 पॉजिटिव पे कितना चार्ज है 3 × 98 - x पहले बताइए चार्ज समझ आ रहा है पॉजिटिव चार्ज कितना है x × 2 पॉजिटिव 98 - x × 3 यस और नो ऑक्सीजन कितने हैं 100 चार्ज कितना है -2 ऑल ओवर चार्ज कितना होना चाहिए
क्या आपको ये इक्वेशन समझ आई है? मेरे पास एक और भी मेथड है, नहीं समझ आएगी मैं दूसरे मेथड से समझा देता हूँ। पहले बताओ आपको ये समझ आई है? नहीं है? यस सर। गुड सर, आई नो यू आर अ वेरी गुड मैथमेटिशियंस ऑल। ये देखो सब मैथमेटिशियन है, आईटी क्रैक करनी है, एक्स वाई की इक्वेशन नहीं सॉल्व करते, वो मुझे दोबारा समझा रहा हूं। देखो अब समझो, मान लो निकल एक्स है, निकल टू पॉजिटिव एक्स है, निकल थ्री पॉजिटिव वाई है, टोटल निकल कितने हैं? कोई डाउट है? ये इक्वेशन समझ आई है? यस सर। हाँ ना, जल्दी। यस सर। तो बताइए निकल टू पॉजिटिव पे टोटल चार्ज कितने हैं? टू इंटू एक्स। निकल थ्री पॉजिटिव पे चार्ज कितने हैं? थ्री वाई। 100 ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन पे चार्ज कितना है? माइनस टू इंटू 100। टोटल चार्ज कितना होना चाहिए? जीरो। इफ यू कैन यू सॉल्व एक्स एंड वाई? यस। नहीं कर दी तुम्हारे, टू एक्स प्लस टू वाई। मैं इसको इसको मैं दूसरी तरफ लिख लेता हूं, ये कितना बन जाएगा? 200। और ये कितना बन जाएगा? 196। मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं और सब्ट्रैक्ट कर रहा हूं, कट गया y इज इक्वल टू 4। y कितना है? 4। तो y क्या था? निकल 3 पॉजिटिव कितने हैं? 4। निकल 2 पॉजिटिव कितने होंगे? टोटल 98 हैं, तो ये 94 हो जाएंगे। परसेंटेज निकालनी होगी तो क्या करेंगे? 4/98 × 100। ये निकल 3 पॉजिटिव की परसेंटेज है और निकल 2 पॉजिटिव की परसेंटेज कितनी है? 94/98 × 100। बोलिए समझ आया है? एक और क्वेश्चन करके दिखाऊं जल्दी? यस सर, हो गया। इसको नोट कर लो जल्दी से, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है 16। मैं ऐसा एक सिमिलर क्वेश्चन तुम्हें दे रहा हूं, जल्दी करो, पर अब 10 मिनट का सॉलिड स्टेट रह गया, अब अगली क्लास में खत्म होगा, ट्यूसडे वाली क्लास में। ये एक न्यूमेरिकल और करना है, किसी ने जाना नहीं है। चैप्टर बता दो कौन सा करना है, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, कोऑर्डिनेशन, कौन सा? तो पी ब्लॉक। सबने पी ब्लॉक करना है? कोई बात नहीं, पी ब्लॉक कराएंगे, तुम जल्दी से इसको उतारो। उतार लिया? यस सर, उतार लिया। सर मैं रब कर रहा हूँ, सारे बच्चे इस क्वेश्चन को करिए, मैं बिना बोले बोर्ड पे कर रहा हूँ, बाद में अपना आंसर मिला लेना। Fe.920, इसमें आपको Fe2 पॉजिटिव और Fe3 पॉजिटिव की फ्रैक्शन निकालनी है। मैं बिना बोले कर रहा हूं, आप अपना आप भी करिए, बाद में मिला लीजिएगा। सर? हाँ जी सर, ट्यूसडे को क्लास होगी आपकी? ट्यूसडे के क्यों नहीं, ट्यूसडे टेस्ट है, सॉरी ट्यूसडे टेस्ट, ट्यूसडे टेस्ट है सॉलिड स्टेट का। फिर ऐसा करिए, एक छोटा सा एक एक छोटी सी चीज रह गई है, इम्प्योरिटी डिफेक्ट, वो आपका होमवर्क है, मैं थर्सडे को द्वारा कराऊंगा। जो बच्चे नए हैं उनकी सुबह में एक्स्ट्रा क्लास लूंगा, जो बच्चे नए हैं उनकी एक्स्ट्रा क्लास में सुबह लूंगा। तो नए बच्चे मेरे कांटेक्ट में रहेंगे, जोया हो गया, जशन हो गया, एक आरएनजी भी आए हुए हैं आज, तो इनकी जो बाकी भी लगाना चाहिए वो भी लगा सकते हैं, ठीक है? उनकी मैं एक्स्ट्रा क्लास भी लगाऊंगा, टॉपिक भी बताऊंगा। बाकी इस बच्चे शाम को टेस्ट देंगे।
भैया ऑक्सीजन कितने हैं? ऑक्सीजन कितने हैं? 100 पे चार्ज कितना होगा? 100 into minus 2, that is minus 200. Minus 200 दूसरी तरफ लिखेंगे तो plus 200 हो जाएगा ना? नहीं सुना? ऑक्सीडेशन नंबर निकालते थे कि नहीं? आप ऐसे कर लो, पॉजिटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू नेगेटिव चार्ज. व्हाट इज द पॉजिटिव चार्ज? 2 into x and 3 into y. व्हाट इज द नेगेटिव चार्ज? 100 into minus 2. पॉजिटिव चार्ज शुड बी इक्वल टू नेगेटिव चार्ज. बोलिए बेटा, समझ आया कि नहीं आया? आप देखो, आपका भी यही आंसर आ रहा है? यस सर. ओके, दैट्स गुड, दैट्स गुड. सुबह 11:30 क्लास है. आर्यन जी, जोया जी और जशन जी, आप तीनों नहीं जाएंगे, आप मुझे मिलके जाएंगे. बाकी सबने नोट कर लिया है? आज हमने क्या क्या पढ़ा? यस सर. पढ़ा नॉन स्टॉइकोमेट्रिक डिफेक्ट, मेटल एक्सेस, मेटल डेफिशिएंट, उसमें सोडियम वाला केस किया, फिर ZNO वाला केस किया, और फिर ये Fe वाला केस किया या निकल वाला केस किया. ये तीनों ही बड़े इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स थे बोर्ड एग्जाम्स के लिए. ठीक है, अब ये जिन्होंने नोट कर रही है वो जाना चाहे तो जा सकते हैं. ये तीनों बच्चे मुझसे मिलके जाएंगे. हाँ जी, थैंक यू सर. बाय बाय बाकी बच्चे. बाय बाय. थैंक यू सर. यस यस. बाय. थैंक यू सर. बाय. मैं स्टॉप शेयरिंग इसे क्लीन कर दूं बच्चे. हाँ जी बोलो बेटा. ग्रेस बेटा, सर मैंने पूछना था कि जो 9:30 वाली सुबह क्लास है, अगर हमने लगानी हो तो उसमें जो 9:30 वाली सुबह क्लास है, अगर अगर हम लगाना चाहें तो उसमें आप टॉपिक्स कौन कौन से कवर करोगे? बच्चे मैं यही करूंगा बेटा, न्यूमेरिकल्स करूंगा ना, सॉलिड स्टेट के जो पीछे क्वेश्चन दिए हुए हैं. ओके सर. हाँ, ये जो पीछे न्यूमेरिकल्स दिए हुए हैं सॉलिड स्टेट के और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा, सो दैट आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए. ओके सर. ठीक है. हाँ जी. ओके बेटा. ओके बच्चे. सर, फिफ्थ लाइन में आपने कॉमन लिया हुआ x plus y, ये समझ आया फिफ्थ लाइन? नहीं बेटा, मैंने इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है. आई हैव मल्टीप्लाइड दिस बाय 2, दिस इक्वेशन. ये इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है. तो ये 92 का 184 आ गया, ये 2 का 2x आ जाएगा, 2 का 2y आ जाएगा, x x कट जाएंगे. 3y minus 2y is y. वो मैं बोल ही नहीं सकता था ना, तो मैंने बोला तो मैं बिना बोले लिख रहा हूँ कि बाकी बच्चे अपना कर पाए. आप वैसे भी आपके यहाँ 2 इक्वेशन आ गई, आप सॉल्व कर लो, आप x और y की वैल्यू निकाल लो, यही वाली आएंगी. ठीक है, अब ये तीनों बच्चे अपना कैमरा ऑन कर लेंगे.